नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव पर। दोस्तों, हमारे राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर पार्ट में राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे, उनमें काफ़ी सारे लोक देवता हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। और इनकी माता का नाम था पत्नी और पिता, तो इनके पिता का नाम था तहाड़ जी। मित्रों, तेजाजी लोक देवता के पिता के इतिहास में दो नाम मिलते हैं, एक तो मिलते हैं तहाड़ जी और एक मिलता है बक्साराम जी। ये तेजाजी जो थे वो धोलिया, तेजाजी धोलिया जो जाट जाति में आते हैं, तेजाजी धोलिया जाट थे, जिनका जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। और इनका पिता के दो नाम आते हैं, एक तहाड़ जी धोलिया और बक्साराम जी धोलिया। और इनकी पत्नी का नाम है पेमल, पेमल इनकी पत्नी का नाम है। और दोस्तों, मीराबाई जो है उनका भी बचपन का नाम पेमल मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माता का नाम है राम कुंवरी। और इनके एक इनके घोड़ी का नाम है लीलन। इस घोड़ी के दो नाम है, एक तो होता है लीलन जो आप सभी को साधारणतः पता होता है, और एक दूसरा नाम होता है सिंहधारी। तो ये तो हुई बेसिक जानकारी। इनका जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में होता है। और इनकी माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी पेमल, पिता तहाड़ जी बक्साराम जी, दो नाम मिलते हैं पिता के, और घोड़ी का नाम लीलन या सिंहधारी। दोस्तों, तेजाजी है वो पंच पीर की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तेजाजी पंच पीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। और तेजाजी के अब हम देखते हैं उपनाम। तेजाजी के उपनाम की बात करें तो तेजाजी के उपनाम में एक तो इन्हें कहते हैं काला एंड बाला के देवता। दोस्तों, काला कहते हैं नाग को और बाला कहता है एक रोग होता है नारू रोग, या उसे कहते हैं बाला, इस नारू रोग को कहते हैं। और उस नारू रोग से रक्षा के लिए तेजाजी की पूजा की जाती है, इसलिए तेजाजी के उपनाम है काला एंड बाला के देवता, जहां काला का अर्थ है नाग से और बाला का अर्थ है नारू रोग से। दोस्तों, हमने एक लोक देवता पढ़े थे बाबूजी राठौड़, जिन्हें प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं। प्लेग रक्षक यह रोग चूहों से होता है, जिनके तो प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं बाबूजी राठौड़ को। तेजाजी के और भी उपनाम हैं, एक इन्हें कृषि उपारक देवता, कृषि उपारक देवता। दोस्तों, तेजाजी को कृषि उपारक देवता इसीलिए कहते हैं क्योंकि तेजाजी जो है, जो किसान होते हैं, वो तेजाजी जब खेत की बुआई करते हैं तो वह तेजाजी के गीत गाए जाते हैं, और भावी फसल होने की आशा करते हैं, इसलिए तेजा गीत गाते हैं। और इससे पहले भी हम पढ़ा थे गोगा जी, तब हमने देखा था गोगा जी जो बुआई करने से पहले गोगा जी को हल और हाली दोनों के हाथ में जो राखी बांधी जाते हैं उन्हें राखड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कृषि उपारक देवता तेजाजी है, जिन और बुआई करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, और जो राखी बांधी जाती हैं बुआई करने से पहले वो है गोगा जी के नाम की बांधी जाती है। इनके और भी उपनाम है, एक उपनाम है गायों के रक्षक। दोस्तों, तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। इन्होंने लच्छा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। लच्छा गुजरी जो इनकी गायों की रक्षा की थी वो थी मेर जाति से
मेर जाति के विरुद्ध गायों की रक्षा के लिए मेर जाति के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, और वे गायें थी लाचा गुजरी की, और लाचा गुजरी की जो छतरी है वो है नागौर में। आपको ध्यान रखना है, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, और लाचा गुजरी की जो छतरी है वो है नागौर में। अब दोस्तों बात करते हैं इनके तेजा जी के प्रमुख मंदिर की। दोस्तों आपको तीन स्थान तेजा जी से संबंधित है उनका ध्यान रखना है। एक तो है सेंद्रिया, एक सुरसुरा, और एक स्थान है पनीर। दोस्तों ये तीन स्थान पे तेजा जी से संबंधित है, सेंद्रिया, सुरसुरा और पनीर। सेंद्रिया सुरसुरा जो है वो है किशनगढ़ अजमेर में, सेंद्रिया है वो है ब्यावर अजमेर में, और पनीर यह भी अजमेर में है, ये अजमेर के रूपनगढ़ तहसील में है। एक रूपनगढ़ नदी का भी नाम है और रूपनगढ़ तहसील का नाम भी नाम है पनीर। ये तीन स्थान मुख्यतः आपको ध्यान रखना है, सेंद्रिया, सुरसुरा, पनीर, तीनों ही स्थान अजमेर जिले में आते हैं। सेंद्रिया की प्रमुख विशेषता यह है कि तेजा जी को सर्प ने सेंद्रिया में तेजा जी को डसा था, तो आपको मुख्यतः ध्यान रखना है कि तेजा जी को सांप ने काटा था, वो काटा था सेंद्रिया में, जबकि वहाँ पर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी वह हुई थी यहाँ सुरसुरा अजमेर में, तेजा जी की मृत्यु। और पनीर जो इनकी पत्नी का नाम है पेमल है जो है वह पनीर की रहने वाली थी, तो पनीर है वो तेजा जी का ससुराल है। तो पैसे पनीर और पैसे पेमल यहाँ से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये विशेषता ध्यान रखना है कि तेजा जी को सांप ने कहाँ पर काटा था, तो वह काटा था सेंद्रिया अजमेर में, जबकि सेंद्रिया अजमेर में इन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे, इन्होंने सुरसुरा अजमेर में अपने प्राण त्यागे थे। क्या हुआ इनकी कुछ इस तरह की कहानी है कि जब ये लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, तब इनको रास्ते में एक नाग और एक नागिन मिलते हैं जो आग में जलते हैं, दोनों नाग और नागिन। तो इन्होंने अपने भाले से इन नाग और नागिन को आग से बाहर निकाल दिया, तब और नागिन की तो मृत्यु हो जाती है लेकिन नाग है वो जीवित रह जाता है। तब वहाँ पर नाग देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं आपने हमारे जो आज हमें मुक्ति मिलने वाली थी आपने हमें मुक्ति मिलने से रोक दिया है। और नाग देवता यहाँ तब तेजा जी ने वचन करते हैं कि मैं अभी तो गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। और इन्होंने यहाँ पर अपने वचन निभाने के लिए जो लाचा गुजरी थी उनकी गायों को वापस उनको सौंप कर वापस आते हैं। और ये जब गायों की रक्षा करते हैं तब इनके शरीर पर इतने घाव आ जाते हैं कि यहाँ पर सांप को उनके काटने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब तेजा जी ने कहा था मेरी जीभ को डस लो, बाकी सब पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। तब जो नाग है वो इनके भाला से होते हुए इनके जीभ पर डसता है। तो अपने तेजा जी ने अपना वचन पूरा निभाया था और उनकी मृत्यु हो जाती है सुरसुरा अजमेर में। और यहाँ जो इस सुरसुरा है यहाँ से जब भी किसी ग्राम में तेजा जी का जो मंदिर स्थापित किया जाता है तो सुरसुरा अजमेर से इनकी जागरण निकाली जाती है यहाँ से वहाँ से जागती जागरण लेकर आते हैं। सेंद्रिया में इनका मंदिर है, सुरसुरा और पनीर में भी मंदिर है। पनीर में जो मंदिर है इस मंदिर में जो पुजारी है वो होता है माली जाति का। यहाँ पनीर में जो मंदिर है उस मंदिर का जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है।
और सेंद्रिया में इनका प्रमुख मंदिर है। अब दोस्तों इनके और भी प्रमुख मंदिर है उनकी हम बात करते हैं। ये तीन जो प्रमुख मंदिर है वह तीनों अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हैं, सेंद्रिया, सुरसुरा और पनीर। और विशेषतः जो प्रमुख मंदिर है सबसे ज़्यादा प्रमुख तो वह है खड़नाल नागौर में। तो बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की। प्रमुख मंदिर है वो है खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर में ही इनका जन्म हुआ था तेजा जी का। इनका प्रमुख मंदिर खड़नाल नागौर और एक है पर्वतसर में। पर्वतसर यह भी नागौर में है। और एक मंदिर आता है भावता। ये तीनों स्थल नागौर में ही है। और पहले जो हमने पढ़ा था सेंद्रिय, सुरसुरा और पनेर, वह तीनों अजमेर में थे। तो खड़नाल नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है जहाँ इनका जन्म हुआ था, और एक पर्वतसर नागौर में इनका मंदिर है। इस पर्वतसर नागौर में है वहाँ तेजा जी पशु मेला भी लगता है, वीर तेजा जी पशु मेला। यह मेला वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर में लगता है। यह मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मित्रों तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है, वह भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और यह जो मंदिर है आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वो है तेजा जी पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में भरता है। और वैसे सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा जो पशु आते हैं वो आते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु बिकते हैं क्रय विक्रय की दृष्टि से। और यहाँ पर यह सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का, सबसे प्राचीन पशु मेला। जबकि यह पर्वतसर नागौर में जो तेजा जी का भरता है यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे यह मल्लीनाथ पशु मेला है और एक है इनका प्रमुख मंदिर भावता नागौर में। तो ये तीनों है नागौर में और तीन मंदिर जो हमने अजमेर में वो पहले देखा था। अब तेजा जी को अजमेर जिले के लोक देवता कहते, अजमेर जिले के लोक देवता। दोस्तों अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का जो आपको मंदिर मिलेगा, और तेजा जी का जो चबूतरा होता है इन्हें कहा जाता है तेजा चौक, तेजा चौक। अजमेर के प्रत्येक गांव में आपको तेजा जी का मंदिर मिलेगा, इसलिए इन्हें अजमेर जिले के लोक देवता कहते हैं। ऐसे दो ही लोक देवता है जिन्हें किसी जिले के लोक देवता कहते हैं। एक तो अजमेर जिले के लोक देवता जो तेजा जी है, एक जालौर जिले के लोक देवता है वो है मल्लीनाथ। देखिए मल्लीनाथ जी जो थे वो बाड़मेर के थे, लेकिन फिर भी वह जालौर के, जालौर जिले के लोक देवता है वो है मल्लीनाथ, और अजमेर जिले के लोक देवता है तेजा जी। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है तेजा जी नागौर के थे लेकिन अजमेर जिले के लोक देवता कहलाते हैं, और जो मल्लीनाथ जी थे वो उनका प्रमुख मंदिर बाड़मेर में है लेकिन ये जालौर जिले के लोक देवता कहलाते हैं। और तेजा जी ने लाचा गुजरी की जो मेर जाति की, मेर जाति के मुसलमानों से गायों की रक्षा है तो अपने प्राण त्यागे थे। और एक जो बुआई करते समय जो गीत गाया जाता है किसानों द्वारा वे उसे कहते हैं तेजा गीत। किसान खेत में बुआई करते समय गीत गाते हैं तेजा जी का। और एक शब्द आता है गोड़ला, जो गोड़ला जो होते हैं वो तेजा जी के भोपे होते हैं जो सर्पदंश से इलाज करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं तेजा जी के जो भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं गोड़ला। दोस्तों इससे संबंधित और बता देता हूँ, जो देखिए एक आप नाम आता है गुड़ला, एक आता है गोड़ला और एक गुड़ला त्यौहार होता है। ये हम त्यौहारों में पढ़ेंगे गुड़ला त्यौहार, और एक गुड़ला है
और एक होता है घोड़ला। ये घोड़ला है वो तेजा जी के जो भोपे हैं वो घोड़ला कहलाते हैं, और जो घुड़ला है वो रामदेव जी के कपड़े के बनाए हुए जो घोड़े होते हैं उन्हें हम घुड़ला कहते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तेजा जी लोक देवता पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे और भी लोक देवता है जिन्हें दोस्तों, एक होता है मामादेव, मामादेव लोक देवता। दोस्तों मामादेव लोक देवता जो है वे राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका न तो कहीं मंदिर होता है और न ही कोई मूर्ति होती है, बल्कि इनका सिर्फ एक लकड़ी का बना हुआ तोरण द्वार होता है। लकड़ी का तोरण द्वार मामादेव लोक देवता है, उनके न तो कोई मंदिर होता है न कोई मूर्ति होती है, इनका सिर्फ लकड़ी का एक तोरण द्वार होता है। यह तोरण द्वार जो गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर लगाया जाता है, गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर यह तोरण लगाया जाता है जो लकड़ी का होता है। मामादेव लोक देवता है, ये बारिश के लोक देवता कहलाते हैं, बारिश के लोक देवता। मामादेव लोक देवता को बारिश के लोक देवता कहते हैं क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो इन मामादेव लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, और दोस्तों मामादेव लोक देवता के एक मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये घोड़े जो है वह बनते हैं हरजी गांव जालोर में, हरजी गांव जालोर। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मिट्टी के जो घोड़े बनाए जाते हैं मामादेव के वो तो बनते हैं हरजी गांव जालोर के, जबकि हम पढ़े थे रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं वो बनते हैं पोकरण गांव में। तो यहाँ पर मिट्टी के घोड़े हरजी गांव जालोर में बनते हैं मामादेव के, और इनके कोई मंदिर और मूर्ति नहीं होते, लकड़ी का तोरण द्वार होता है जो गाँव के बाहर लगाए जाते हैं, और इनका एक उपनाम है बारिश के लोक देवता। और यहाँ पर मामादेव लोक देवता हमारे पूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले लोक देवता, एक लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा ये कुछ बड़े नहीं, सिर्फ छोटे छोटे हैं जहाँ से अक्सर। और दोस्तों एक लोक देवता होते हैं देव बाबा, इनसे आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान में रखनी है। ये दो बातें हैं, एक तो ये कहलाते हैं गवालों के आराध्य देव, गवालों के आराध्य देव। देव बाबा जो है वो गवालों के आराध्य देव कहलाते हैं, और इनका प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। प्रमुख मंदिर देव बाबा का जो प्रमुख मंदिर है वो है नगला जहाज, जो भरतपुर में आता है नगला जहाज। तो यहाँ देव बाबा के आपके दो ही बात याद रखनी, एक गवालों का आराध्य देव और एक इनका प्रमुख मंदिर जो नगला गांव नगला जहाज भरतपुर में है। अब दोस्तों एक और लोक देवता आते हैं वीर फत्ता जी। अब छोटे छोटे लोक देवता हैं, सिर्फ दो ही लोक देवता है जो बड़े हैं। इन वीर फत्ता जी का जो प्रमुख मंदिर है वह है सातू गांव, जो जालोर में आते हैं सातू गांव जालोर, और इनकी कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले लोक देवता, देव बाबा हो गए, अब हम अगले लोक देवता बात करते हैं भूमिया जी। दोस्तों भूमिया जी है जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पर हम लगाते हैं पशुओं से, पशुओं को भगाने के लिए कुछ इस प्रकार का, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में कहते हैं अड़वो, या इसे कहते हैं अरुड़ू। तो दोस्तों यह हमारे खेत के बीच में पशुओं से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्षेत्रपाल, यानी इन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, और इन्हें एक क्या कहा जाता है भूमि रक्षक लोक देवता, भूमि रक्षक लोक देवता। और स्थानीय भाषा में
इस तरह का बनाया जाता है उसे कहता है अड़वो या अरुड़ू, और इन्हें कहा जाता है क्षेत्रपाल, जो भूमि रक्षक लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी सर्वाधिक पूजा होती है वो होती है दक्षिणी राजस्थान में, भूमिया जी की सर्वाधिक पूजा होती है दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इनकी सर्वाधिक पूजा होती है। तो इनका सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपको, भूमि रक्षक लोक देवता, और जो अड़ू बनाया जाता है अड़ू उसे कहा जाता है क्षेत्रपाल, और ये दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक इनकी पूजा होती है। तो दोस्तों अब हमारे लोक देवता, आज अब दो ही लोक देवता बाकी है, बाकी लगभग हम सब कर लिए गए, जो हम कल पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।